हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ सिंपल 2D प्लान। आज हम एक 30 फीट बाय 40 फीट का एक बंगलो का ग्राउंड फ्लोर का प्लान बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते ऑटोकैड में। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी सेटिंग्स कर लेते हैं यूनिट्स की। UN फॉर यूनिट्स, लैंड टाइप चूज करते हैं हम आर्किटेक्चर, प्रिसीजन चूज करते हैं हम 1:8। यहाँ से यूनिट लेते हैं हम स्केल का इंचेस, देन ओके। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हम लेयर्स क्रिएट कर लेते हैं। लेयर्स के लिए हम लेयर्स प्रॉपर्टी में जाके, यहाँ पे आपको स्टार मार्क दिख रहा है लेयर का, इसको क्लिक करके, डबल क्लिक करके और अल्ट प्लस एन टाइप करके भी आप न्यू लेयर बना सकते हैं। तो चलिए लेयर क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। पहला लेयर क्रिएट करते हैं डोर का। डोर का कलर लगते हैं हम पिंक, ओके। सेकंड करते हैं विंडो, विंडो का कलर रखते हैं हम ब्लू। फर्नीचर का लेयर लेते हैं हम ऑरेंज। फोर्थ लेयर लेते हैं हम पोर्च। फिफ्थ लेयर लेते हैं हम गार्डन। सिक्स लेयर लेते हैं हम टेक्स्ट, टेक्स्ट। गार्डन का कलर चूज करते हैं यहाँ से ग्रीन। पोर्च का कलर चूज करते हैं यहाँ से, टेक्स्ट का कलर चूज करते हैं। अभी हमको दो जो लाइन है पोर्च, यह पोर्च हमको कंटिन्यूस लाइन में नहीं चाहिए, तो हमें हिडन लाइन में चाहिए, इसलिए हम हिडन लाइन इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए पहले हमें यहाँ पे देख सकते हो ये डायलॉग बॉक्स में हमें हिडन लाइन शो नहीं हो रहा है, इसलिए लोड पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से हिडन चूज करेंगे, ओके। और यहाँ से सिंपली हिडन, ओके। फिर से चलते हैं हम हमारे जीरो जीरो लेयर पे। सॉरी, लाइन कमांड लेता हूँ सिंपल से, एल फॉर लाइन 30 फीट। सॉरी, तो फर्स्ट पॉइंट देता हूँ, यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन रखता हूँ 30 फीट, 40 फीट, 30 फीट, 40 फीट। आउटर वॉल क्रिएट करने के लिए हम ऑफसेट यूज़ करते हैं 9 इंची। ज़्यादातर हमारी बाहर की जो दीवार होती है वो 9 इंच ही रहती है, इसलिए 9 इंच का ऑफसेट ले रहा हूँ। फिर से ऑफसेट कमांड लेते हैं 11 फीट,
फिर से आपसे कमांड लेता हूँ, 6 inches, कंट्रोल हेड, फिर से ऑफसेट कमांड लेता हूँ, 12 feet, फिर से ऑफसेट कमांड 6 inches फॉर इंटरनल, इंटरनल वॉल DI, DI फॉर डिस्टेंस मेजर, अगेन ऑफसेट लेते हैं 10 feet का, सॉरी 10 feet, अगेन ऑफसेट लेते हैं 6 inches, और एक ऑफसेट लेते हैं 11 feet का, अगेन ऑफसेट लेते हैं इंटरनल 2 inches फॉर ट्रिम, अगेन ऑफसेट लेते हैं 5 feet, एक सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और ऑटो मोड ऑफ करता हूँ, इस लाइन को मूव करता हूँ सेंटर पॉइंट में, अगेन ऑफसेट 3 inches ये साइड, 3 inches ये साइड, मिडिल लाइन इरेज, अगेन ऑफसेट 6 inches, TR फॉर ट्रिम, सॉरी एक लाइन लेता हूँ फिर से, ऑटो मोड ऑन करता हूँ 6 feet, अगेन ऑफसेट लेता हूँ 6 inches, EX फॉर एक्सटेंड, नीचे वाले लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, TR फॉर ट्रिम, ये पोजीशन को ट्रिम कर देता हूँ, दोनों लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, इनको 1 feet मूव करता हूँ और ये बेस पॉइंट पकड़ के, और थोड़ा मूव करता हूँ, डीआर यहाँ पे डिस्टेंस काउंट करता हूँ 5 to 6 inch है, और मूव करता हूँ एम फॉर मूव, ये बेस पॉइंट लेता हूँ 1 feet, देन अगेन डी आई
फोर फिट सिक्स इंचेस। अब ये दोनों लाइन को जॉइन करने के लिए हम सिंपल से ये कमांड लेते हैं, देखिए और एक लाइन क्रिएट करता हूँ, इसको मूव करता हूँ देखें 5 फीट पे, इसको ट्रिम कर देता हूँ। अगेन एक पॉली लाइन लेता हूँ, नहीं तो सिंपल से ऑफसेट से क्रिएट करता है, ऑफसेट 2 फीट। TR यहाँ पे देख सकते हैं, बट ये थोड़ा बड़ा हो चुका है इसलिए इसको हम डिस्टेंस क्रिएट करके इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, 10 फीट का हो गया है। इसको 3 फीट अंदर लेता हूँ मैं, एल फॉर लाइन, अगेन एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। एक REC रेक्टेंगल लेता हूँ, ये बेस पॉइंट पकड़ता हूँ, शिफ्ट एट डी रेट 2 फीट कॉमा 2 फीट। ये हमारा फ्रिज यूनिट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, एक्स कमांड लेता हूँ, ये दोनों लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्स टीआर ट्रिम कर देता हूँ इसको, सॉरी कंट्रोल जेड, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर से एक ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट 10 इंचेस। यहाँ पे हम 3 स्टेप बनाते हैं, इसके लिए 10 हमारा एक ही 10 इंचेस का देखते हैं। टीएल फॉर ट्रिम, टीएल फॉर ट्रिम, कंट्रोल जेड, भी हमारा एक अगेन लाइन कमांड लेते हैं फॉर लाइन, यहां से 4 फीट इतने 5 फीट, अगेन 4 फीट, इसको ऑफसेट करता हूँ मैं अंदर की तरफ 6 इंचेस। टीआर फॉर ट्रिम, इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, इस पोजीशन को मिरर कर देता हूँ, MI फॉर मिरर, यहाँ से ले इस पॉइंटर 9, सिंपली इसको मूव कर देता हूँ नीचे वाले पॉइंट पर, TR फॉर ट्रिम, ये दोनों लाइन को ट्रिम कर देता हूँ। अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट लेयर में, जो है पोस्ट
यहाँ पे एक हिडन लाइन से पोच तैयार करते हैं, लाइन लेते हैं सिंपल से और पॉली लाइन लेते हैं, पॉली लाइन लेता हूँ अगेन, रिपीट करता हूँ पॉली लाइन को, पूरा कंप्लीट पोच लेते हैं। शायद ये यहाँ पर इसको ईएक्स करके एक्सटेंड कर देता हूँ, हो चुकी है एक्सटेंड। इन दोनों भी पोजिशन को मूव कर देता हूँ बाहर बाहर की तरफ ताकि इसको अच्छे से ट्रिम कर सकूँ। गियर फॉर ट्रिम, सॉरी कंट्रोल जेड, इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ फॉर ट्रिम। यहाँ पर भी वैसे ही अभी ट्रिम कर देता हूँ, देखिए इसको फिर से मूव कर देता हूँ इसको पॉइंट की तरफ। कंट्रोल झेड, कंट्रोल झेड, देखो किधर मूव हो चुकी है। एम फॉर मूव, ऑर्थो मोड ऑफ करता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन होने की वजह से इतना दूर चली गई है। अगेन मूव कमांड लेता हूँ, ऑब्जेक्ट, ये बेस पॉइंट पकड़ता हूँ, टीएल अंदर का पोजीशन ट्रिम कर देता हूँ इतना सा। आई थिंक ये भी पोजीशन ट्रिम कर देता हूँ, और यहाँ पे एक सिंपल से एक जीरो लेयर में जाके एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये अपने डोर के लिए कर रहा हूँ, अभी जाता हूँ डोर प्रॉपर्टी में, डोर लेयर्स में एक डोर क्रिएट करते हैं पीएल। करता हूँ फिर से 2 इंचेस, 4 फीट, 2 इंचेस, यहाँ से आर्क लेता हूँ सेंटर स्टार्टिंग वाला, ग्रुप कर देता हूँ पोजीशन को, इसको मिरर कर देता हूँ ये पॉइंट पकड़ के, नो ये इस पोजीशन को मूव कर देता हूँ, सॉरी गलत पॉइंट लिया हमने, फिर से मूव करता हूँ। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा, एंड मूव,
डी आर विद 4 इंच, और इसको स्केल प्रॉपर्टी से मैं रिड्यूस करता हूँ, ये सी फॉर स्केल, डी आर डिस्टेंस मेजर कर दिए दोनों का, 4 इंच बराबर, यानी सी ओ कॉपी, और तो मोड़ आपको देता हूँ, इसको मिरर करना पड़ेगा, फिर से इसका स्केल इंक्रीज कर देता हूँ, SC फॉर स्केल, कम से कम 3 फीट का स्केल करता हूँ, बी आई, और इसका स्केल थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, SC फॉर स्केल, बी आई, इसका स्केल इंक्रीज करना पड़ेगा, डी आई फॉर डिस्टेंस मेजर, अभी हो चुका है 3 फीट, ये इंटरनल डोर के लिए कहा है, बना रहा हूँ, इसको मिरर करते हैं, MI फॉर मिरर, नो, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक सिंपली, यहाँ पे एक सिंपली, एक यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, एक यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, अभी इसको मिरर कर देता हूँ, यस, इसको अगेन मिरर कर देता हूँ, नो, इसको मूव करता हूँ, ये बेस पॉइंट पकड़ के, इसको रोटेट कर देता हूँ, इसको मिरर करना पड़ेगा, उसके बाद रोटेट करता हूँ, MI फॉर मिरर, नो, इसको मूव कर देता हूँ सिंपली, सॉरी वो थोड़ा गलत जगह पे मूव हो चुका है, इसको हम ये बेस पॉइंट से उठाते हैं, यहाँ पे फिट कर देते हैं, RO फॉर रोटेट, से इसको मूव करके ये पॉइंट पकड़ के, इसको मैंने पिछले पॉइंट पे मूव किया है, इसको इसको इस पॉइंट पे मूव करता हूँ, M4 मूव, M4 मूव, आर ओ, इसको भी मूव कर देता हूँ, सॉरी इसको डायरेक्ट ही अपन मिरर कर देते हैं, MI, ये वॉइस पॉइंट पकड़ता हूँ, नो,
फिर से इसको मूव कर देते हैं। इसको रोटेट करता हूँ सिंपली पहले, इसको पहले मिरर करना पड़ेगा। रुकिए, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ई फॉर इरेज। इस डोर को कॉपी करता हूँ, सी यू बेस्ट पॉइंट से लेके ये बेस्ट पॉइंट तक। इसको भी टीआर फॉर ट्रिम, टीआर फॉर ट्रिम, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। इसको पूरा इरेज कर देता हूँ बाद में। अभी हमारा मेन बाथरूम डोर्स बाकी है, इन फॉर मूव। एम फॉर मूव, ये बेस्ट पॉइंट पकड़ता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। इसको ही कॉपी कर देता हूँ, सी ओ यहाँ पे, इसको रोटेट कर देता हूँ। एम फॉर मूव, ये बेस्ट पॉइंट पकड़ता है। अंदर का पोर्शन ट्रिम, कंट्रोल जेड। इसको पहले लाइन एक लेनी पड़ेगी, फिर से हम 0-0 लेवल पे जाते हैं। एल लाइन से यहाँ पे क्रिएट करते हैं और थ्रो ऑन रखते हैं। टीआर फॉर ट्रिम, सॉरी एल लेते हैं। यहाँ पर भी इतना पोजिशन टीम कर लेते हैं। इसको एरेज कर देता हूँ, टीआर फॉर ट्रिम। इस पोजिशन को ट्रिम कर देता हूँ और फिर इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। मुझे लगता है अंदर का पोजिशन जो भी है इसको भी डिलीट कर लेगा, क्योंकि पोर्च अपना यहाँ से दिखेगा। क्लिप और इरेज, एल, अरे सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अभी हम विंडो बनाते हैं सिंपली, एक विंडो बनाते हैं 4 फीट की, 4 फीट एक विंडो बनाते हैं, 5 फीट की एक विंडो बनाते हैं,
टू फिट के, और बाथरूम विंडोज लेयर में जाते हैं, यहाँ से विंडोज सेलेक्ट करते हैं सिंपली एल फॉर लाइन, यहाँ से एक लाइन लेते हैं 4 फीट 9 इंचेस, 4 फीट 9 इंचेस, इसे एक लाइन लेते हैं, मिडिल से एक ऑफसेट कमांड लेते हैं, इसको 2 इंच ऑफसेट देता हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, इसको कम करता हूँ, ऑफसेट 1 इंच ही रखता हूँ, अगेन इसको कम कर देता हूँ, इसको ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप हम ब्लॉक बनाने के लिए करते हैं, इसको कॉपी कर देता हूँ इस पॉइंट से, और कम ऑफ कर देता हूँ, एक यहाँ पर ये विंडो बनाता हूँ, एक यहाँ पे भी रख देता हूँ, यहाँ पे बड़ी आएंगी, एक यहाँ पे रखता हूँ, एक ये साइड में रखता हूँ, और एक किचन की ये साइड में रखता हूँ। अभी इसको 80 से इसका स्केल बढ़ाएंगे हम, डी एफ और डिस्टेंस मेजर, इसको डिस्टेंस मेजर कर दिया, पहले ज़्यादा हो चुका है, कंट्रोल जेड ध्यान देते हैं इसको, फिर से एक लाइन, फिर से एक पॉली लाइन से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, विंडोज 5 फीट 9 इंचेस, 5 फीट 9 इंचेस, अगेन एक लाइन लेते हैं सेंटर टू सेंटर, ऑफसेट लेता हूँ 1 इंचेस, बीच वाली लाइन को क्लियर कर देता हूँ, अगेन पॉली लाइन लेते हैं और एक लाइन बनाता हूँ 9 इंचेस, 2 फीट 9 इंचेस, अगेन लाइन लेता हूँ सेंटर टू सेंटर, इसको ऑफसेट कर देता हूँ 1 इंचेस से, ये तो और इरेज, इसको ग्रुप कर देता हूँ, इसको भी ग्रुप कर देता हूँ, अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके सेंटर से कॉपी करता हूँ, और कम मोड ऑफ कर देता हूँ, इसको सॉरी 6 इंचेस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इसको दूसरे दीवार में शिफ्ट करते हैं, सी ओ इसको सेंटर से शिफ्ट कर दिया, एक यहाँ पे दे देता हूँ, एक यहाँ पे दे देता हूँ, एक यहाँ पे दे देता हूँ, इसको UNG फॉर अनग्रुप, इसको 3 इंचेस से छोटा कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल झेड, इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ,
हैं जिससे छोटा कर देना है। इसको भी 3 इंचेस से छोटा कर देना है। इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। सिंपल से और एक कमांड लेते हैं सेंटर टू सेंटर एक लाइन, और ये ऑफसेट देता हूँ 1 इंचेस का। थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो इसको कम कर लेता हूँ। M4 रिमूव, यहाँ से 0.5 इंचेस अंदर रखता हूँ। M4 मून, उसको भी यहाँ से 0.5 इंचेस अंदर ढकन देता हूँ। अभी सारी पोजीशन को फिर से ग्रुप कर देता हूँ। CO ऑब्जेक्ट, अगेन ऑटो मोड ऑफ कर देता हूँ। M4 मूव, इसको इसके सेंटर पॉइंट से लेके दीवार के सेंटर पॉइंट में फिट करता हूँ। अगेन सेम बैक विंडो, इसको रोटेट करता हूँ आर ओ फॉर रोटेट। ये बेस पॉइंट पकड़ के कंट्रोल जेड, इसको अगेन रोटेट करता हूँ। सॉरी एम फॉर मूव, इसका सेंटर लेके इसको फिर रोटेट कर देता हूँ। इसको मूव करता हूँ सेंटर पॉइंट से लेके। यहाँ पे सेंटर पॉइंट शो नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक लाइन से इसको टेम्परेरी करता हूँ। M4 में इसको ट्रिम कर देता हूँ। कमांड रिपीट करके इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। ई फॉर इरेज, इसको डायरेक्ट कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। CO सेंटर पॉइंट से लेके सेंटर पॉइंट तक, इसको भी यहाँ पे सेंटर पॉइंट तक, ये बड़ी है। इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इसको रोटेट कर लेता हूँ RO, ये बेस पॉइंट पकड़ के सेंटर बेस पॉइंट लेता हूँ इसको, यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। इसको इरेज कर देता हूँ।
तो यहाँ से सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ पे फिट कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर लेता हूँ, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ सेंटर पॉइंट से। इसको यहाँ पर ही रोटेट कर लेता हूँ, आर ओ रोटेट, बेस पॉइंट पकड़ के फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ सी ओ सेंटर पॉइंट से। इसको इरेज कर लेता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ पर भी इस पोजिशन को ट्रिम कर देता हूँ, एल फॉर लाइन, सॉरी डोअर में विंडो में है, हम 0-0 लेवल पे जाते हैं, एल फॉर लाइन, यहाँ से ऑल ऑन करता हूँ, अगेन रिपीट कमांड बाय प्रेस, कमांड हमको रिपीट करनी होगी तो हम फिर से स्पेस प्रेस करेंगे। देखिए टीआर फॉर ट्रेन, इसको ट्रेन कर लेता हूँ, बाद में इसको इसको पोच को हिडन कर लेता हूँ यहाँ से, और इस लाइन को ट्रिम कर देता हूँ टी आर, क्योंकि ये हमारा लॉन है, यहाँ से आप हर एक लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर से मैं पोच लेयर को ऑन करता हूँ, अभी हम फर्नीचर फिट करते हैं। फर्नीचर फिट करने के लिए आप कीबोर्ड से, पहले मैं इस पोजीशन को ट्रिम कर देता हूँ ज़रा सा, अभी पूरा क्लियर हो चुका है। अभी हम फर्नीचर फिट करते हैं। फर्नीचर के लिए आपको ब्लॉक्स चाहिए, ब्लॉक्स के लिए आप सिंपली अपने कीबोर्ड से ऐड सेंटर, ऐड सेंटर का शॉर्टकट है ADC, ADC टाइप कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, और कंट्रोल +2 भी टाइप कर सकते हो, Ctrl+2, ये देखिए फिर से ओपन हो चुका है डायलॉग बॉक्स। अभी हम जो जो हमको ब्लॉक्स चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से एक सिंक सिलेक्ट करता हूँ, एक ट्रे सिलेक्ट करता हूँ,
Casi. Pero limpio, soy la que vayan a descansar y vale con la hace. Vayan a subir. देख सकते हैं फ्रेंड, अपना एक 30x40 फीट का एक प्लान ड्रॉ हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।